हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं AWE आयुर्वेदा वितमित। आज अपन देखने वाले शर्करा कल्पना के परिचय देखने वाले, इसका निर्माण विधि क्या है और शर्करा कल्पना के कुछ इसका योग देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। वीडियो चले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं इसका परिचय की, अगर बात करें तो परिचय शर्करा कल्पना का परिचय अपन देखें तो देखिए, इसको जो शर्करा कल्पना इसको सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं। इसको शर्करा कल्पना को अगर सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, शरबत बोलते हैं या सिरप इसको कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि जो सुगंधित द्रव्य और फलों का रस से आपको सारकर को ही आपको शरबत कहे या शर्करा कहे, सबका मतलब सेम होता है। ओके, तो शर्कर बनाया जाता है। अब सुगंधित द्रव्य कौन सा होता है आपको याद रखनी है कि जैसे गुलाब का पुष्प हो गया, केवड़ा का पुष्प हो गया, चंदन हो गया, सौंफ आदि क्या है आपका सुगंधित द्रव्य है। और फलों का रस का जो कि आपको शर्करा का अपना बनाया जाता है, फलों का अगर फल की अगर बात करें तो कौन कौन सा फल का बना सकते हैं, जैसे आपको अनार हो गया, नींबू हो गया, आपको बेल हो गया, बेल का आपको शरबत बना सकते हैं, आपको सेब का शरबत बना सकते हैं। ओके, आदि क्या फलों का आपको रस से हम आपको शर्करा कल्पना बनाया जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में बनता है कि जो शर्करा कल्पना है इसके निर्माण के लिए आपको किस टाइप के औषध द्रव्य का प्रयोग किया जाता है, कि सुगंधित द्रव्य और फलों का रस, और आपको थर्ड में आपको रहेगा दोनों, और फोर्थ में आपका ऑप्शन रहेगा कोई नहीं। तो आपको हमेशा आज का आपको सुगंधित द्रव्य और फलों का रस दोनों इसका आंसर जाएगा। आपको हमेशा याद रखनी है जो शर्करा कल्पना है इसमें आपको सुगंधित द्रव्य और फलों का रस का ही आपको शर्करा कल्पना बनाया जाता है। ओके, चलिए बात करें अब परिभाषा का, अपन बात करें तो परिभाषा अगर बात करें तो यहाँ सुगंधित द्रव्य का मतलब जैसे गुलाब के पुष्प, केवड़ा पुष्प, चंदन, सौंफ आदि यह है सुगंधित द्रव्य के हीम फांड अर्क तथा अन्य द्रव्य का क्या करते हैं, अपन क्वाथ बनाते हैं, उनमें क्या करते हैं, क्वाथ में दुगुनी शर्करा मिलाकर उसको क्या करते हैं, दुगुनी शर्करा मिलाकर क्या करते हैं, उसको मंद अग्नि पर क्या करते हैं, पाक करते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, वस्त्र से उसको छान लेते हैं, और जो छान लेते हैं वो जो छानने के बाद जो होता है वो क्या है, शर्करा आपको कहते हैं, शर्करा कल्पना कहते हैं, शरबत उसको कहते हैं। ये क्या आपका परिभाषा है। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको याद रखनी है कि आपको पॉइंट इसलिए याद रखनी है क्योंकि अपन शर्करा कल्पना में हमेशा ऐसे ये जो आप परिभाषा आप देख रहे हैं द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार है। ओके, जो परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है, द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार है। और जैसे कि आपको कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि आपको शर्करा कल्पना में आपको शर्करा कितना गुना मिलाया जाता है, शर्करा कल्पना में शक्करा कितना गुना मिलाया जाता है, तो हमेशा आपको याद रखनी है एमसीक्यू में कि 2 गुना मिलाया जाता है। ओके, शर्करा कितना गुना मिलाया जाता है, तो 2 गुना शर्करा कल्पना में आपको शर्करा कितना गुना मिलाया जाता है, मिलाकर अग्नि में पाक करते हैं, तो आपको हमेशा याद रखनी है 2 गुना में आपको मिलाकर मंद अग्नि में पाक करते हैं, और वस्त्र से छान कर उसके आपको शरबत बनाए, शरबत कहते हैं या शर्करा कल्पना कहते हैं। ओके, हमेशा आपको याद रखें जब भी आपको एमसीक्यू में पूछे तो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। चलिए अब देख रहे हैं कि आपको शर्करा का निर्माण विधि की अगर बात करें तो निर्माण विधि क्या है, आपको क्या कर निर्माण विधि क्या है, इसका क्या है कि एक पल याकुट द्रव्य का कर लेनी है। याकुट का मतलब क्या होता है कि आपको द्रव्य, कोई भी द्रव्य जो सुगंधित द्रव्य द्रव्य है उनको कुट के, यानी आपको मतलब जैसे चूर्ण टाइप के बना लेनी है, आपको बिल्कुल बारीकी नहीं करनी है, तो वो थोड़ा सा बड़ा बड़ा हो, जैसे हल्का हल्का कुट लेनी है। मगर एक पल क्या करनी है, यानी एक पल कहे या एक भाग कहे, एक पल आप याकुट द्रव्य लेनी है, उसके बाद उसमें आठ पल क्या मिलानी है, आपको जल मिलाकर रात्रि में क्या करनी है, आपको भिगोकर रख देना है। ओके, इसलिए समझना आप किसका निर्माण विधि क्या है कि क्या करना है आपको, एक पल याकुट द्रव्य, यानी याकुट का मतलब आप समझ रहे ना कि जैसे कि कोई भी द्रव्य जो सुगंधित द्रव्य जो हार्ड है उनको कूट के आपको थोड़ा सा चूर्ण टाइप के बना लेनी है, ज्यादा बारीक नहीं करनी है, बट आपको कूट लेनी है।
ये एक पल योगर्ट आपको द्रव्य को लेना है, और उसमें क्या करनी है आपको, 8 पल आपको जल मिलाकर रात्रि में क्या करना है आपको, भिगो के रख देना है। 8 पल आपको आपको जल मिलाकर आपको उसको भिगो कर रात्रि में रख देना है। फिर उसको क्या करनी है आपको, कल प्रातः काल यानी प्रातः काल में उस द्रव्य को जो अपन रात में भिगो कर रखे थे, उसको प्रातः काल में मंद अग्नि पे अपन को क्या करनी है, पाक करनी है। यानी उसको अग्नि पे अपन को पाक करनी है, पकाना है। ओके, जब पाक करेंगे इतना तक, जब तक पाक करनी है, अष्टम अंश का मतलब होता है कि 1/8, 1/8 आपको शेष ना हो जाए, यानी 1/8 शेष रहने पर वस्त्र से क्या करते, छान लेते। ध्यान से सुनना कि देखिए निर्माण विधि क्या है। एक पल क्या के योकुट द्रव्य लिए जो रात्रि में, एक पल क्या के एक पल योकुट द्रव्य लेकर उसमें 8 पल जल मिलाकर आपको रात्रि में भिगो कर रख देनी है। फिर क्या करना आपको प्रातः काल में, आपको क्या करनी है प्रातः काल में मंद अग्नि पर और उसको पाक करनी है। जब तक पाक करनी है अष्टम अंश यानी अष्टम अंश के मतलब यानी 1/8 शेष ना रह जाए। 1/8 क्या होगा आपको, जब शेष रह जाएगा तो फिर उसको क्या करना, उस द्रव्य को आपको आपको वस्त्र से छान लेना है। ओके, फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, उसमें वस्त्र से जो छान लिए, जो द्रव्य को छान के रखे हैं उसमें क्या करनी है आपको, 4 पल, 4 पल क्या, 4 पल आपको शर्करा डाल लेनी है। 4 पल क्या करनी है आपको, शर्करा उसमें डाल लेनी है। फिर पुनः उसको धीरे धीरे यानी फिर आपको मंद अग्नि पे उसको पाक करना है। मंद अग्नि पे अगर हल्की आंच पे उसको क्या करनी है, पाक करनी है। कब तक पाक करनी है कि वो तंतु युक्त ना हो जाए, तंतु युक्त ना हो जाए तब तक उसको तंतु युक्त, मगर उसमें जैसे देखिए जब उसको पाक करेंगे, 4 पल अपन शर्करा डालकर उसको मंद अग्नि पे क्या करनी है, को पाक करनी है। जब तक पाक करनी है वो चाशनी ना बन जाए या तंतु युक्त ना बन जाए। उसको आप हाथ में, आपको जैसे जब चाशनी जब बनाते हैं देखते हैं कि आप जब उसको हाथ में लेंगे तो उसमें एक तार बनता है। ओके, तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि तंतु युक्त मतलब तार बनना होता है, अर्थात तार बनना। यानी 4 पल जब शर्करा मिलाकर उसको जब अग्नि पर आप मंद अग्नि पर उसको पाक करेंगे तो उसमें क्या हुआ कि जब आप हाथ से उसको टच करेंगे तो उसमें एक तार बनेगा, चाशनी मतलब तार युक्त हो जाएगा। तो क्या होगा, जब चाशनी बन जाएगा तो उसे क्या कहते हैं अपन, शर्करा कल्पना कहते हैं या शरबत कल्पना कहें। ओके, देखिए फिर से थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। निर्माण विधि की बात करें कि क्या करनी, आपको 1 पल यौकुट द्रव्य को लेनी है, रात 8 पल आपको जल मिलाना है, फिर उसको रात्रि में भिगो कर रख देनी है। ओके, फिर प्रातः काल में उसको मंद अग्नि पर आपको पाक करनी है। जब तक पाक करनी है 1/8 शेष ना रह जाए। ओके, फिर शेष जब बचेगा तो फिर उसको क्या करनी है आपको, कपड़े से आपको छान लेनी है। ओके, यानी वस्त्र से आपको छान लेना है। फिर उसमें क्या करनी है आपको, 4 पल, 4 पल आपको शर्करा मिलानी है। शर्करा डालकर यानी चीनी यानी शुगर उसमें डाल लेनी है। फिर उसे पुनः धीरे धीरे अग्नि मंद अग्नि यानी धीरे पुनः धीरे धीरे मगर मंद अग्नि पे उसको पाक करनी है। जब तक पाक करनी है वो चाशनी बन ना जाए, चाशनी जैसे उसमें तार ना आ जाए, या चाशनी चाशनी चाशन मगर चाशनी बनने तक उसको आपको पाक करनी है। उसमें जब तक तार ना आए, जब उसको हाथ से टच करिए उसमें तार बन जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं आपको, सारकर या आपको शर्करा कल्पना कहते हैं। ये क्या हो गया आपको, शर्करा कल्पना के निर्माण विधि हो गया। ओके, उसके बाद आप यहाँ एक देख रहे, यहाँ एक मैं पॉइंट लिखा हूँ नोट्स करके। ओके, तो आई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे आपको पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें लिखना नहीं है, बट आपको एमसीक्यू से क्वेश्चन पूछता है। ओके, तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखिए जो शर्करा कल्पना है, जो शर्करा कल्पना है उसको हमको अगर दीर्घ काल तक, यानी दीर्घ काल का मतलब क्या होता है, यानी लंबे समय तक, अगर जो हम जो कल्पना अगर बनाए हैं उसको अगर हमको लंबे समय तक अगर यूज करनी है, उपयोग करनी है, तो उसको तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव द्रव्य मिलाना पड़ेगा। ओके, तो वही है, अगर जो अपन शर्करा कल्पना जो बनाए हैं उसको अगर हमको लंबे समय तक यानी दीर्घ काल तक अगर संरक्षित रखना है, यानी उसको सुरक्षित रखना है कि वो खराब ना हो, सुरक्षित करके रखना है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव ड्रग्स यानी द्रव्य आपको मिलाने की जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ओके, तो प्रिजर्वेटिव ड्रग्स क्या मिला सकते हैं उसमें, तो याद रखनी है आपको सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोनेट, पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट,
आदि द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखनी है। वो कैसे कि आपको जो शर्करा कल्पना है उसको आपको लंबे समय तक आपको संरक्षित रखने के लिए उसमें कुछ आपको संरक्षक द्रव्य यानी प्रिजर्वेटिव द्रव्य मिलाया जाता है। तो प्रिजर्वेटिव द्रव्य कौन सा होता है? तो सोडियम एसीटेट, सोडियम ना सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोनेट, पोटेशियम मेटाबाई फास्फेट। आपको ये याद रखनी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं। चलिए बात करें शर्करा के योग के बारे में। बात करें शर्करा के योग के बात करें तो फर्स्ट के उनापसा सारकर, सारकर बोले या शर्करा बोले या शरबत बोले, तीनों का मतलब क्या है? सेम है। तो अपना फर्स्ट का अपना जैसे योग कल्पना में फर्स्ट क्या है, आपको शर्करा कल्पना के योग के बात करें तो फर्स्ट क्या है? उनापसा सरकरा सारकर। ओके, तो ये फर्स्ट इसका आपको इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपका ग्रंथ अधिकार आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एमसीक्यू में पूछता है उनापसा सारकर का आपको ग्रंथ अधिकार क्या है? तो सिद्ध सिद्ध भेषज मणि माला है। उसका रोग अधिकार की बात करें तो पीतज ज्वर है। उसके घटक द्रव्य की बात करें तो जो नाम है खुद घटक द्रव्य, उनापसा क्या है? खुद घटक द्रव्य है। तो उनापसा क्या है, आपको 1 किलोग्राम ले लीजिए, जल कितना 8 लीटर, और आपको शर्करा आपको 4 किलोग्राम। ओके, देखिए जस्ट इसके पहले अपन निर्माण विधि पढ़े हैं तो उसमें क्या लिए थे, आपको द्रव्य जो बताया था निर्माण विधि बताया था कि द्रव्य आपको 1 पल लेनी है, द्रव्य उसका द्रव्य 1 पल लिए थे, उसमें 8 पल आपको जल लिए थे जबकि 4 पल आपको शर्करा लिए थे। ओके, लेकिन यहाँ क्या है, यूनिट सिर्फ चेंज हो गया है लेकिन उसका निर्माण विधि बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ जो उनापसा जो द्रव्य कितने किलो में लिए, वहां पल में लिए थे। ओके, उसका जल लीटर में लिए थे, और शर्करा वहां पल में लिए थे जबकि यहाँ किलोग्राम में लिए। तो यूनिट से कोई ले, मगर यूनिट से सिर्फ चेंज है, बाकी जो आपको निर्माण विधि है बिल्कुल सेम है। तो वैसे ही सेम निर्माण विधि जो पहले अपन स्लाइड में पढ़े सेम वैसे ही लिखनी है। अपन क्या किए, उनापसा जो है 1 किलोग्राम क्या किए, उनापसा लेके उसका आउटपुट कर लिए, उसके इसमें 8 लीटर जल मिलाकर रात्रि में भिगो के रख देनी है। फिर प्रातः काल में मंद अग्नि पे इसको पाक करनी है। कब तक? अष्टम अंश शेष रहने तक हमको क्या करना है, पाक करना, फिर वस्त्र से छान लेना है। ओके, देखिए क्या किया पहले कि उनापसा सारकर के जो निर्माण विधि है, 1 किलो क्या किया, उनापसा को यौकुट कर लिए, उसमें 8 लीटर जल मिलाकर रात्रि में भिगो के रख दिए, फिर प्रातः काल में मंद अग्नि पे अष्टम अंश शेष रहने तक हम क्या किए हैं, पाक किए। ओके, पाक करनी है मंद अग्नि पे, उसके बाद आपको वस्त्र से इसको छान लेनी है। फिर तत्पश्चात आपको क्या करना है, तत्पश्चात आपको 4 गुना आपको शर्करा मिलाकर मंद अग्नि पे फिर पाक करनी है। कब तक पाक करनी है, जब तक वो तंतु तंतु बन तंतु बनने लगे। जब वो तंतु रूप में बनने लगेगा, जब आप तंतु के रूप में बनने लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपको उनापसा सारकर का निर्माण हो जाएगा। यही क्या है आपका उनापसा शर्करा का आपका विधि है। ओके, विधि के बराबर। मगर बोल बात कर ले तो 1 किलो का उनापसा सरकरा को याकूट करके 8 लीटर जल मिलाकर रात्रि में भिगो के रख देनी है। फिर प्रातः काल में मंद अग्नि पे अष्टम अंश यानी 1/8 शेष रहने तक आपको पाक करनी है। फिर वस्त्र से छान लेना है। फिर 4 गुना सरकरा मिलाकर मंद अग्नि पे पाक करनी है। जब तक पाक करनी है वो तंतु युक्त ना हो जाए। तंतु युक्त मतलब उसमें आपको तार बनने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, उनापसा सरकरा उनापसा सारकर हो जाएगा यानी सरकरा हो जाएगा। ओके, ये निर्माण विधि हो गया। उसके तो बात कर लेते हैं उनापसा शर्करा के मात्रा का। अगर बात करें तो इसका मात्रा कितना लेनी है, आपको कितना मात्रा लेनी है, 12 से 24 मिली लीटर लेनी है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार उसमें जल मिलाकर उसका उनापसा आपको सारकर का यानी शर्करा का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके लिए इसका प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं, उनापसा जो शर्करा कल्पना है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तब पित्त ज्वर जीर्ण ज्वर, प्रतिस्याय, कास, श्वास, शिरा, शूल, नेत्र, मूत्र, प्रदाह, अनिद्रा आदि में ये लाभदायक होता है। ओके, उसके सेकेंड अपन बात करें, सेकेंड अपन कल्पना आपको आपको शर्करा शर्करा कल्पना के सेकेंड बात करें जैसे योग का, तो नींबू शर्करा का अपन बात करें। तो नींबू शर्करा का अगर बात करें तो नींबू जो आपको नींबू शर्करा शर्करा के बात करें यानी सारकर के बात करें तो इसमें आपको घटक द्रव्य क्या लेनी है, इसमें आपको ग्रंथ अधिकार नहीं है। ओके, इसमें क्या है, ग्रंथ अधिकार इसका नींबू शर्करा का
शर्करा का ग्रंथ अधिकार नहीं है। ओके, स्पेसिफिक कहाँ लिखनी है, घटक द्रव्य लिखेंगे। तो घटक द्रव्य क्या है, नींबू, क्या है इसमें खुद नींबू, क्या है खुद घटक द्रव्य, यानी खुद द्रव्य। तो नींबू सौरस कितना ले लिए, एक भाग ले लिए, और शर्करा कितना ले लिए, दो भाग ले लिए। ओके, तो आपको याद रखनी है यहाँ एक पॉइंट कि अगर आपको कोई भी कल्पना अगर बना रहे, कोई भी कल्पना अगर बना रहे, कोई कल्पना बना रहे, अगर आपको ग्रंथ अधिकार नहीं है, तो अपन द्रव्य गुण में जो परिभाषा पढ़े थे उसमें कितना, जो शर्करा कितना गुना मिलाए थे, दो गुना मिलाए थे। ओके, तो जब भी आपको ग्रंथ अधिकार नहीं दिया हो तो आपको हमेशा शर्करा कितना, उस द्रव्य को आपको दुगुनी मात्रा में आपको शर्करा मिला के आपको निर्माण विधि बनानी है। ओके, फिर मैं समझाता हूँ आपको कैसे। जैसे आपको घटक द्रव्य क्या ले लिए, नींबू क्या है, कुट कतर, तो नींबू सौरस एक भाग ले लिए। ओके, शर्करा कितना, दो भाग ले लिए। तो निर्माण विधि क्या है, 1 लीटर नींबू सौरस यानी एक भाग, इसलिए मैं लिखा हूँ कि जो कि आपको इजिली याद रखे कि कोई भी द्रव्य हो सकता है, उसका यूनिट भी कुछ भी हो सकता है। ओके, या पल हो सकता है, तोला हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है। ओके, तो सिर्फ भाग लिखा हो, तो कितना यहाँ लिए हैं अपन, नींबू सौरस कितना, 1 लीटर ले लिए। ओके, इसमें 2 किलोग्राम आपको आपको शर्करा मिलाकर इसका चाशनी बना लेनी है। ओके, फिर उसने गर्म रहते ही, उसको उष्ण रहते ही आपको कुछ छान लेना है। ये क्या होगा, आपको नींबू शर्करा का आपका निर्माण विधि हो गया। ओके, तो कोई भी जब द्रव्य आपको निर्माण विधि बनानी है किसी भी द्रव्य को, तो आपको जो अगर उसका ग्रंथ अधिकार नहीं है दिया गया है, तो आपको द्रव्य गुण के ज्ञान के अनुसार ही बनानी है। क्या लेनी है आपको, जो द्रव्य के बारे, जो द्रव्य आपको दिया गया है निर्माण के लिए, जैसे नींबू सौरस हो गया आपको, जैसे बेल का आपको शरबत बनानी है, बेल का, बेल आपको बेल सर, बेल का शरबत बनानी है, जैसे सेब का शरबत बनानी है, जैसे अनार का शरबत बनानी है। ओके, तो नींबू सौरस के अकॉर्डिंग आपको निर्माण विधि उसका भी करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपको बेल के बने, तो बेल आपको कांचा होता है, बोले बेल को पका हुआ लेके उसमें गुद्दा निकाली, फिर उसका सौरस निकाल के उसमें फिर दो गुना आपको, मगर दो भाग आपको, एक भाग का लेनी है आपको बेल का लेनी है, और दो भाग आपको उसमें आपको शर्करा ले लेनी है, फिर उससे शर्करा मिलाकर चाशनी बना ली, फिर उसमें रहते उसको आपको छान लेना है। ओके, वो क्या होगा, बेल आपको बेल शर्करा हो गया। तो इसी नींबू शर्करा के अकॉर्डिंग ही आप दूसरे द्रव्य को भी आपको आपको कल्पना बनानी है, आपको शर्करा कल्पना बनानी है। ओके, जब आप ग्रंथ अधिकार नहीं दिया, क्योंकि इसके पहले उनापसा जो अपन पढ़े, उनापसा शर्करा पढ़े, तो उसमें ग्रंथ अधिकार था। ओके, इसीलिए उस ग्रंथ के अकॉर्डिंग उसमें बताया गया था कि 4 पल आपको, यानी 4 किलोग्राम आपको शर्करा लेनी है, लेकिन इसमें नींबू सौरस में नहीं बताया। तो अपन द्रव्य गुण के अकॉर्डिंग जो परिभाषा पढ़े, परिभाषा में अपन कितना, दो गुना यानी दो गुनी अपन शर्करा मिला रहे थे, एक भाग अपन शर्करा एथिल द्रव्य ले रहे थे, और दो भाग उसके, एक का डबल, दो का, मगर द्रव्य का डबल अपन शर्करा मिलाकर मंदगर में पा करके उसको अपन शर्करा निर्माण कर रहे थे, शर्करा कल्पना निर्माण कर रहे थे। ओके, तो द्रव्य गुण जब रोग अधिकार नहीं दिया हो, तो अपन द्रव्य के गुण के अकॉर्डिंग नींबू सौरस से इसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैं बता रहा, इसी के अकॉर्डिंग आपको निर्माण विधि किसी भी द्रव्य को आपको बनानी है, आपको शर्करा कल्पना बनानी है। ओके, चलिए अब इसका, अब नींबू नींबू शर्करा का इसका मात्रा आप देखते हैं। तो इसका मात्रा का बात करें, तो मात्रा कितना लेनी है आपको, 1 से 2 तोला, और 1 से 2 तोला इसका मात्रा लेनी है, और आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर इसका भी आपको नींबू शर्करा का प्रयोग करते हैं। ओके, उसके बाद इसका उपयोग की बात करें, उपयोग या प्रयोग की अगर इसका बात करें, तो देखिए इस पित्त विकार, मंदाग्नि, अरुचि, तृष्णा, अजीर्ण, मल अवरोध, रक्तपित्त को दूर करता है, इन सभी व्याधियों में हम नींबू शर्करा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये क्या होता है, नींबू जो शर्करा होती है ये आपको अग्नि प्रदीपन होता है, यानी अग्नि को प्रदीप्त करता है। ओके, अगर आप बाहर, आप गर्मी के धूप के टाइम में बाहर निकल कर घूम रहे हैं, आपको शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा है, तो उस टाइम भी आपको देखते हैं कि नींबू शर्करा का अपन प्रयोग करते हैं, मगर जैसे नींबू पानी अपन पीते हैं, ओके, शक्कर मिला के, तो वही है, जैसे आपको नींबू शर्करा का पीते हैं, और क्या करता है, आपको पित्त विकार को शीघ्र ही दूर कर देता है। ओके, संताप दाह कलंक को भी दूर करता है, और मन के लिए प्रसन्न भी होता है। ओके, तो इसमें से आप कुछ पॉइंट आप याद रख सकते हैं। ओके, कि नींबू शर्करा का, और ऐसे बहुत सारे द्रव्य आपको मिलेंगे जिसका रोग आपको ग्रंथ अधिकार नहीं दिया हो, तो नींबू सौरस के अकॉर्डिंग ही बनानी है। फिर से मैं बोल रहा, अगर आपको कहीं भी डाउट कि नींबू सौरस के अकॉर्डिंग ही निर्माण विधि बनानी है, एक भाग द्रव्य लेनी है, और दो भाग आपको शर्करा मिला के आपको चाशनी बना के उसको फिर छान लेना, ये क्या होगा, उस द्रव्य का निर्माण विधि हो गया, शर्करा निर्माण विधि हो गया, शर्करा कल्पना निर्माण विधि होगा, उस द्रव्य, जो कोई भी द्रव्य हो सकता है जिसका ग्रंथ अधिकार नहीं हो। ओके, मैं ग्रंथ अधिकार नहीं हो उसके बारे में बात कर रहा, जिसका ग्रंथ अधिकार हो
वो उसके अकॉर्डिंग आपको निर्माण विधि बनाया जाता है। जैसे उनापसा उनापसा जो शर्करा था जो फर्स्ट में पढ़े थे आपको योग में, तो उसका ग्रंथ अधिकार था उसके अकॉर्डिंग, उसमें 4 गुना अपन क्या मिलाए थे, शर्करा मिलाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग मिले थे। मगर इनका नींबू शर्करा का ग्रंथ अधिकार नहीं था, अपन को द्रव्य गुण के अनुसार इसको निर्माण विधि बनानी है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको थोड़ा सा भी कोई डाउट हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूले। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।